न्यूज, किको वर्सेस कमांडर मार्शल की फाइट जल्द ही होने वाली है। आइए और देखिए कौन कितना ताकतवर है और किसकी होती है जीत। कमांडर मार्शल है कौन और मेरे और इनकी फाइट्स की खबर कोई क्यों फैला रहा है? R7 की डेंजर लाइट भी ब्लिंक कर रही है, यानी जरूर कोई खतरा है। सिग्नल काफी दूर से आ रहे हैं, वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। कौन हो तुम और चाहते क्या हो? लगता है इसे मेरे बैग के बारे में पता चल गया है। मम्मी पतली गली से निकल लेता हूँ वरना ये मेरा बैग उड़ा के ले जाएगा। ये तीनों तो मुझे फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। मम्मी बचाओ। एक मिनट रुक जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना। थैंक यू प्लीज मुझे इनसे बचाओ, ये लोग मेरे बैग के पीछे पड़े हैं। मम्मी पर इस बैग में ऐसा है क्या? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले भागो यहाँ से। भागेंगे नहीं बल्कि इनको भगाएंगे यहाँ से। सुपर स्पीडो तुम मेयर अंकल को संभालो, मैं इनसे निपटता हूँ। R7 की डेंजर लाइट अब भी ब्लिंक कर रही है, यानी खतरा कहीं और भी है। मेयर अंकल अब तो बताइए इस बैग में ऐसा क्या है जिसके लिए ये तीनों रोबोट्स आपके पीछे पड़े थे? बताता हूँ इसमें मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मुझे लगता है हीरे होंगे इस गुल्लक में। नहीं, इसमें मेरी रोज की सेविंग्स है। मैं अपने सारे चिल्लर इसमें डाल डाल के सेव करता था। आज इन्हें अपने अकाउंट में डालने बैंक जा रहा था कि उन रोबोट्स ने मुझ पर हमला कर दिया। कमाल है, खोदा पहाड़ निकले चिल्लर। पर समझ में नहीं आ रहा कि वो रोबोट्स इन चिल्लर के पीछे क्यों पड़े थे। R7 की डेंजर लाइट अब भी ब्लिंक हो रही है, सिग्नल सिटी की दूसरी तरफ से आ रहे हैं। मुझे लगता है ये रोबोट्स मुझे और सुपर स्पीडो को फंसा के रखने के लिए भेजे गए थे, जबकि खेल कुछ और ही है। चलो सुपर स्पीडो, जल्दी का जल्दी जल्दी में फटाफट कहते हैं और क्राइम होने के बाद जो खबर पहुंचाए उसे चाटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है,
नोटपैड में नोट कर लेता हूँ। जूनियर जासूस अंकल, नोट बाद में करिएगा, पहले ये तो बताइए कि कौन सा क्राइम हुआ है। किसी ने ट्विंकल और डोडो को किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैपिंग? किसने की किडनैपिंग? एक एक के छक्के चुरा दूंगा, बताओ वो उन्हें लेकर कहाँ गए। चलो किको। ये सब तो नहीं पता हमें, हमने सिर्फ उस आदमी को उन्हें जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। मगर कैसे? टेढ़ी उंगली में लगे घी को फुदकती बिल्ली झट से चाट कर गई। मतलब? सर पहले में कह रहे हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट को देखो, उन्होंने कमांडर मार्शल को ट्विंकल और डोडो को किडनैप करते हुए देखा है। लेकिन कमांडर मार्शल ने ट्विंकल और डोडो को किडनैप किया क्यों? और ये इतने सारे पोस्टर्स का मतलब क्या है? टिम्पोना इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ टिम्पोना, किको और सुपर स्पीडो मेरे साथ ही है। हाँ ईश, ठीक है, मैं सबको लेके आता हूँ। ईश, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है किको, हम सभी को अभी के अभी टिम्पोना के यहाँ जाना होगा। हाँ। क्या हुआ टिम्पोना, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अयो आप भी बता दा जी, हमसे ना यह का गलती हुआ जी, ये देखो। ईश, तो इस रोबोट का नाम गलती है? अयो नहीं जी, हमको कमांडर मार्शल ने यह रोबोट बनाने का ऑर्डर दिया। इस रोबोट का खास बात ये कि कोई भी इसका अंदर जाके बैठेगा और वो जैसा भी मूवमेंट करेगा ये रोबोट भी वैसे ही मूवमेंट करेगा जी। यानी इसके अंदर खड़ा आदमी अगर भागेगा तो ये रोबोट भी भागेगा? है करेक्ट जी, इसका अंदर जाके कोई अगर फाइट करने के लिए हाथ पैर चलाएगा तो ये रोबोट भी ठीक वैसा ही हाथ पैर चलाएगा। ईश भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज बनाई है तुमने टिम्पोना। अब हम इसके अंदर सफाई कर्मचारियों को झाड़ू के साथ खड़ा करके पूरी सनसिटी की सफाई करवाएंगे। अयो ये सफाई के लिए नहीं जी, लड़ाई के लिए बनाया है कमांडर मार्शल ने। यही तो गलती हुआ, मैं उसका बाथों में आ गया जी। मतलब? कमांडर मार्शल हमको धमकी दे के गया जी। उसने हमको बोला था कि तुमको बोला के कॉल करो उसको। कमांडर मार्शल की है ये डिमांड, सारे माने उसकी कमांड। हेलो किको, सॉरी मुझे तुम्हें ट्विंकल और डोडो को किडनैप करने के लिए तीन रोबोट्स के चक्कर में उलझाना पड़ा। कमांडर मार्शल, इस तरह किसी को किडनैप करना रॉन्ग है, आप प्लीज ट्विंकल और डोडो को वापस लौटा दीजिए। लौटा दूंगा, बिल्कुल लौटा दूंगा, और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी दो शर्तें माननी पड़ेंगी। और वो क्या है? पहली शर्त ये कि तुम्हें मुझसे भरे स्टेडियम में लोगों के सामने फाइट करनी होगी। सॉरी कमांडर मार्शल, मैं पब्लिक शो के लिए फाइट नहीं करता। ठीक है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए तो करते हो ना, देखो बेचारे कब से उस बंद बक्से में कैद हैं। हाँ? कमांडर मार्शल की ये है डिमांड, सारे माने उसकी कमांड। देख लिया अपने दोस्त ट्विंकल और डोडो को, अगर तुमने मुझसे लड़ने से मना किया तो ये समझ लो कि तुम फिर कभी इन दोनों से मिल नहीं पाओगे। लड़ लो किको, कमांडर मार्शल को तो तुम दो मिनट में हरा दोगे। ठीक है, अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैं आपसे लड़ने को तैयार हूँ, आपकी दूसरी शर्त क्या है? मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम ये फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि मुझसे हारने के लिए लड़ोगे। मैं सबके सामने तुम्हें हरा के ये साबित करना चाहता हूँ कि तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। लोगों ने जीत के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग तुम्हारे लिए की है। मैं तुम्हें हरा के ये साबित करना चाहता हूँ कि बेस्ट फाइटर कमांडर मार्शल है। ठीक है, मैं आपकी दोनों शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। कमांडर मार्शल की है ये डिमांड, सारे माने उसकी कमांड।
गुड बॉय किको, तुम अपने दोस्तों के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गए। और हाँ, ये लड़ाई हम दोनों रोबोट्स के अंदर जाके लड़ेंगे। मैं इस रोबोट के जरिए लड़ूंगा और तुम उस रोबोट के जरिए जो कि मैंने टेम्पो अन्ना से खास तुम्हारे लिए बनवाया है, ताकि हारने के बाद लोगों को ये ना लगे कि मैंने किसी तरह की चीटिंग करके तुम्हें हराया है। ओके कमांडर मार्शल, मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है कि मेरे फ्रेंड्स ट्विंकल और डोडो को कुछ नहीं होना चाहिए। शर्त मंजूर है तो कल स्टेडियम में लड़ेंगे किको और कमांडर मार्शल। ट्विंकल और डोडो मेरे पास सेफ हैं, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे। कमांडर मार्शल की है ये डिमांड, सारे माने उसकी कमांड। लेकिन किको, इस तरह जानबूझकर लोगों के सामने हार जाना, उनकी उम्मीदों को डुबा देना तो रॉन्ग है। मुझे पता है सुपर स्पीडो, मगर इस वक्त ट्विंकल और डोडो को सेफली वापस लेके आना ही मेरे लिए सबसे राइट बात है। बाकी हार जीत तो चलती रहेगी बड़ी। लेकिन किको, तुम मेरे रहते इस रोबोट के जरिए क्यों लड़ोगे? तुम कहो तो मैं स्पेशल फॉर्मूला लगा के इससे भी ज्यादा पावरफुल रोबोट बन जाऊंगा। नहीं सुपर स्पीडो, तुम्हें इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है। जब मैं कमांडर मार्शल से लड़ रहा हूँगा तो उस दौरान तुम्हें ट्विंकल और डोडो की लोकेशन का पता लगाना होगा। ग्रेट आइडिया बड़ी, लोकेशन मिलते ही मैं जैसे ही तुम्हें बताऊं, तुम कमांडर मार्शल को वहीं पटक के मारना। जीत तुम्हारी होनी चाहिए। आज होने वाली इस फाइट में एक तरफ है कमांडर मार्शल, वहीं दूसरी तरफ है किको। स्पीडो, जब तक मैं फाइट कर रहा हूँ तब तक तुम जाके ट्विंकल और डोडो को ढूंढो। मुझे यकीन है कमांडर मार्शल ने उन्हें यही कहीं कैद कर रखा है। जरूरत पड़ने पर फॉर्मूला नंबर 35 और 163 लगाना। ओके बड़ी, फाइट के लिए ऑल द बेस्ट। जैसे ही मैं ट्विंकल और डोडो को ढूंढ के निकालू, तुम कमांडर मार्शल को जमकर सबक सिखाना। पब्लिक ने किको की जीत के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग की है, तो आइए देखते हैं कि क्या सच में किको कमांडर मार्शल से जीत पाता है या नहीं। शर्त याद है ना किको? और हाँ, गार्ड एकदम ही नीचे करके मत रखना, ताकि लोगों को लगे कि तुम सच में लड़ रहे हो। तुम भी मुझे मारने की एक्टिंग करना, लेकिन याद रहे सिर्फ एक्टिंग। कमांडर मार्शल की है ये डिमांड, सारे माने उसकी कमांड। अयो, ये काला कपड़ा क्यों लाया जी? ईश, मैं किको को यूं मार खाते नहीं देख सकता, इसलिए मैं इससे अपनी आंखें कवर कर लूंगा। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मेरी किको की रक्षा करना, रक्षा करना। Mm-hmm.
कमांडर मार्शल से वीडियो कॉल के दौरान हमने देखा था कि उन्होंने ट्विंकल और डोडो को ऐसे ही किसी कंटेनर में कैद किया था। फॉर्मूला 35 लगा के एक एक कंटेनर को स्कैन करता हूँ। कमांडर मार्शल की है ये डिमांड, सारे माने उसकी कमांड। किको, मुझे वो कंटेनर मिल गया जिसके अंदर ट्विंकल और डोडो कैद हैं। अब जब तक मैं इस लॉक को तोड़ता हूँ तब तक तुम कमांडर मार्शल को तोड़ना शुरू करो। थैंक यू सुपर स्पीडो। फॉर्मूला नंबर 27, 45 और 9 लगा के लॉक को तोड़ दो। आइए अपना आंखों से पट्टी हटा लो जी। ठिको इज बैक। तुम अपनी शर्त भूल रहे हो किको। अब मुझे आपकी कोई भी शर्त मानने की जरूरत नहीं। सुपर स्पीडो ने ट्विंकल और डोडो को ढूंढ निकाला है। ये लॉक बड़ा मजबूत है, टूट ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ, अपनी सुपर हॉट रे से इसे पिघला देता हूँ। किको, ये लॉक टूट ही नहीं रहा। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और टूटेगा भी नहीं। वो लॉक सिर्फ इस चाबी से खुल सकता है। तुमने इतने लोगों के सामने मुझे हरा के मेरी बेइज्जती की है, अब इसका बदला मेरे रोबोट्स लेंगे। किको, तुम्हें ये चाबी चाहिए ना? हिम्मत है तो ले लो। कमांडर मार्शल की है ये डिमांड, सारे माने उसकी कमांड। किको, ये रोबोट्स तो बहुत ताकतवर हैं और दोनों मिलकर हमें भगा रहे हैं। बड़ी सुपर स्पीडो, मुझे लगता है कि अब हमें फॉर्मूला नंबर 19 लगाना होगा, तभी हम उस चाबी को हासिल कर पाएंगे। हा, 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 हा,
किको, अब ये चाबी कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली और ना ही तुम कभी अपने दोस्तों को छुड़ा पाओगे। कमांडर मार्शल की है ये डिमांड, सारे माने उसकी कमांड। अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कवने सूखे बांस को तोड़ के उसमें छेद करके उसकी बांसुरी बजाई। मतलब सर पहली में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। किको, हमें बचाने के लिए जो हम तुमसे कहना चाहते हैं उसे टू वर्ड्स में कहते हैं, थैंक यू। थैंक यू से भी ज्यादा थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। Ha 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 ha